शंकर सुवन गणेश जी माँ गौरा के लाल, शंकर सुवन गणेश जी माँ गौरा के लाल। पहले नाम तेरा जपूं, लेना हमें संभाल गजानन, लेना हमें संभाल। सिद्धि विनायक आप हो, विघ्न विनाशक नाम। सिद्धि विनायक आप हो, विघ्न विनाशक नाम। गौरी नंदन आपके चरणों में है प्रणाम हमारा, चरणों में है प्रणाम। लंबोदर सब देवों में तुम्हारा ऊंचा स्थान, लंबोदर सब देवों में तुम्हारा ऊंचा स्थान। देवी देव भी ले रहे प्रथम तिहारा नाम गजानन, प्रथम तिहारा नाम। रिद्धि सिद्धि आपको गणपति चवर ढुरा, रिद्धि सिद्धि आपको गणपति चवर ढुराए। माँ भवानी आपको मोदक भोग लगाए गजानन, मोदक भोग लगाए। पिता ब्रह्मांड है आपने दिया बता, मात पिता ब्रह्मांड है आपने दिया बता। सात परिक्रमा आपने उनकी दई लगाए गजानन, उनकी दई लगाए। सच्चे हृदय से आपको भक्त जो भी ध्यान, सच्चे हृदय से आपको जो भी ध्याए। बल बुद्धि विद्या सब मिले, धन धान वो पाए गजानन, धन धान वो पाए। ऐसा ज्ञान हमें चले सत्य के मार्ग, देना ऐसा ज्ञान हमें चले सत्य के मार्ग। पाप ताप से हम बचे रह चरणन के साथ तिहारे, रह चरणन के साथ।
एक दंत दयावंत हो, मूषक के असवार। एक दंत दयावंत हो, मूषक के असवार। बीज भंवर नैया मेरी, करना भव से पार गजानन, करना भव से पार। मैं शरण तुम्हारी प्रभु, रखना सिर पर हाथ। मैं शरण तुम्हारी प्रभु, रखना सिर पर हाथ। गणपति बप्पा मोरिया, रहना सदा मेरे साथ गजानन, रहना सदा मेरे साथ। विघ्न हरण मंगल करण, गौरी पुत्र गणेश। विघ्न हरण मंगल करण, गौरी पुत्र गणेश। पाप ताप संकट हरो, काटो कष्ट कलेश हमारे, काटो कष्ट कलेश। सच्चे मन से जो करे श्री गणपत का ध्यान, सच्चे मन से जो करे श्री गणपत का ध्यान। उन भक्तों के पूर्ण हो, पल में सारे काम रबतों, पल में सारे काम। ऐसी मेरी मनोकामना, करूं तेरा गुणगान। ऐसी मेरी मनोकामना, करूं तेरा गुणगान। बल बुद्धि का दान दो, हर लेना अज्ञान हमारे, हर लेना अज्ञान। हम भक्तन को गणपति, कलयुग बहुत सता। हम भक्तन को गणपति, कलयुग बहुत सताए। भक्त तिहारे दर खड़े, देना पार लगाए गजानन, देना पार लगाए। कंचन थाल सजाई के, धूप और दीप जलाए। कंचन थाल सजाई के, धूप और दीप जलाए। हे गजानन आपकी आरती मन से गाए, रे गणपत आरती मन से गाए। चंद
वंदन का वंदन प्रभु कर लेना स्वीकार, चंदन का वंदन प्रभु कर लेना स्वीकार। चरण शरण में लगाए के देना अपना प्यार गजानन, देना अपना प्यार। हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम गौरी नंदन श्री गणेश की जन्म कथा का वर्णन करेंगे। भक्त जनों, श्री गणेश जी विघ्न विनाशक तो हैं ही, इन्हें सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय का वरदान भी प्राप्त है। यदि श्री गणेश प्रसन्न रहे तो माता लक्ष्मी का निवास स्वयं ही भक्तों के घर में हो जाता है। श्री गणेश ही रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री गणेश की ये पावन कथा। गणपति जी का सुन लो भक्तों, कैसे हुआ अवतार। ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है बारंबार। श्री गणेश की कथा ये भक्तों बड़ी ही पावन है। श्री गणेश जी कृपा करें जो करता श्रवण है। शिव पुराण में मिलता है श्री गणेश कथा वर्णन। भक्तों अब तुम सभी ध्यान से सुनो लगा कर मन। एक बार गौरा माता जी कर रही थी स्नान, तभी अचानक पहुंच गए हैं शिव शंकर भगवान। लज्जावश माता के नेत्र फिर झुक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, एक बार की बात है, माता गौरा जब स्नान कर रही थी तो अचानक वहाँ भोलेनाथ पहुँच जाते हैं। लज्जावश माता का स्नान अधूरा ही रह जाता है। तब माता गौरा ने सोचा, शिवगण तो कोई भोलेनाथ को रोक नहीं सकते, अतः महल के द्वार कोई ऐसा दरबान होना चाहिए जो मेरी आज्ञा के बिना किसी को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे। माता को इसका एक उपाय सूझा। माँ को शिव का अचानक आना रास नहीं आया। माता ने अपनी काया से फिर उबटन छुड़वाया। अपने उबटन से माँ ने एक पुतला बनाया है। उस पुतले की बालक के जैसे ही काया है। माता फूकना चाहती है उस पुतले में फिर प्राण। यही समझकर माता ने किया भोलेनाथ का ध्यान। फिर माता ने उसके कान में मंत्र फूक दिया है। मंत्र की शक्ति से पुतला भी जीवित हो गया है। पुतला माँ ने बनाया था, अब प्राणा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। स्नान और ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, यही सोचकर माता ने अपने उबटन से पुतला बनाया था और अपने मंत्र की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए ताकि माता के स्नान में कोई विघ्न ना आए। श्री गणेश जी को इसीलिए विघ्न विनाशक भी कहते हैं। सर्वप्रथम बालक ने माता को प्रणाम किया, माँ गौरा ने भी है उसको आशीर्वाद दिया। बालक बोला, माता जी बतलाओ मेरा काम, जिसके लिए किया है आपने माँ मेरा निर्माण। गौरा माँ ने फिर तो विनायक को है दिया आदेश, मेरी आज्ञा बिन कोई भीतर करे नहीं प्रवेश। अब से विनायक तुम समझो मेरी ही हो संतान, कंदरा द्वार पे पहरा देना बन करके दरबार। माँ की आज्ञा पाके विनायक शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दयानिधान। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दयानिधान। भक्तजनों, विनायक ने शीश झुकाकर बोला, हे माता, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है कृपा करके मुझे आज्ञा दें। तब माता गौरा कहने लगी, हे विनायक, तुम कंदरा के द्वार पर दरबान बनकर पहरा देना और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कंदरा के भीतर प्रवेश ना करे। अब मुझे स्नान करने को जाना है, तुम कंदरा के द्वार पर जाकर पहरा दो। पहरेदार बन कर के विनायक बैठ ही जाते हैं, भोलेनाथ इतने में कंदरा द्वार पे आते हैं। देखा कोई बालक बैठा बन कर के दरबान, भोलेनाथ उस बालक को तो ना पाए पहचान। कंदरा के भीतर प्रवेश जो भोले ने करना चाहा, झट से वो बालक है फिर भोले के सामने आया। कहने लगा, बाबा मेरी माँ ने दिया मुझे आदेश, उनकी आज्ञा बिना करे ना कोई भीतर प्रवेश। आप बताओ किस अधिकार से भीतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दयानिधान। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दयानिधान। भक्तजनों, इस प्रकार विनायक ने भोलेनाथ को भीतर जाने से रोक दिया और कहने लगे कि हे बाबा, मेरी माता का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, अतः मैं आपको कदरा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगा। अनजान बालक के वचन सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही विस्मय हुआ और विनायक से कहने लगे, कौन हो बालक और बताओ कहाँ से तुम आए। हम हैं भोलेनाथ, हमें पहचान नहीं पाए। जिस माता की तुमने बालक आज्ञा है मानी, उसी तुम्हारी माता के हैं हम तो स्वयं स्वामी। पहले विनायक ने उनको है अपना परिचय बताया,
कहने लगे माता ने मुझको पहरे पर बैठाया। आज्ञा दी है माता ने तो मुझे माननी होगी, कंदरा के भीतर प्रवेश न कर सकते तुम जोगी। माता को दिए वचन पुत्र तो सदा निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब विनायक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भोलेनाथ बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और नंदी से कहते हैं, हे नंदी, इस हठी बालक को यहाँ से हटाओ। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर नंदी विनायक को बलपूर्वक हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु विनायक टस से मस नहीं हुए। इतना देखकर अनेकों ही शिवगण आ जाते हैं और बलपूर्वक विनायक को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु अकेले विनायक सभी शिवगणों पे भारी पड़ जाते हैं। सारे ही शिवगण मिलकर भी उन्हें हटा ना पाए, इतना देख कर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आए। भोलेनाथ ने फिर से विनायक को चेताया है, हट जाओ बालक वरना समझो काल तेरा आया है। किंतु विनायक ने तो जैसे सुनी नहीं चेतावनी, शिवगण और विनायक में हो रही थी तनातनी। उस बालक पर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आया, क्रोधित होकर भोलेनाथ ने फिर त्रिशूल चलाया। शीश विनायक का त्रिशूल से काट गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सभी शिवगणों ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु विनायक को कोई भी वहां से हटा नहीं पाया। इतना देखकर भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही काट गिराया। इतने में स्नान करके गौरा माता लौट आती हैं। जब उन्होंने देखा कि गणेश मूर्छित पड़े हुए हैं और भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हैं, तो तुरंत समझ गई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? तो भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक बड़ा ही जिद्दी था, मुझको यह भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था। ना तो इसने मेरी बात मानी और ना ही किसी शिवगण की बात मानी और बल प्रयोग करने लगा, इसीलिए मैंने इसे उचित दंड दिया है। तब भोलेनाथ से माता गौरा विलाप करते हुए कहती हैं, स्वयं ही भोलेनाथ दिया था मैंने इसे आदेश, मेरी आज्ञा बिना करे ना कोई कंदरा में प्रवेश। मेरे ही आदेश का पालन ये तो कर रहा था, आप बताएं भोलेनाथ फिर इसका दोष है क्या? दोष अगर मेरा ही है तो दंड मुझे भी दो, या फिर मेरे पुत्र को भोले जीवित तुम कर दो। कहने लगे भोले, ये तो ना संभव हो पाएगा, खंडित हो गया शीश वार से कैसे जुड़ जाएगा। सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक
विनायक को मूर्छित अवस्था में देखकर माता गौरा विलाप करने लगी और बार बार भोलेनाथ से अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगी। किंतु भोलेनाथ ने समझाया कि हे देवी, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही खंडित हो चुका है। जब बार बार विनती करने पर भोलेनाथ नहीं माने तो माता गौरा अत्यंत ही क्रोधित हो गई और कहने लगी, यदि मेरा पुत्र ही जीवित नहीं हो सकता तो फिर मेरे क्रोध की ज्वाला का ताप तीनों लोगों को सहना पड़ेगा। माता का यह विकराल रूप देखकर सभी देवता गण थर थर कांपने लगे। उन्होंने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, यदि माता की क्रोध की अग्नि भड़क गई तो तीनों लोक जलकर भस्म हो जाएंगे। अतः हम आपसे विनती करते हैं कि विनायक को जीवित करने का कुछ उपाय कीजिए। आखिर भोलेनाथ भक्तों बड़े ही वरदानी, सब देवों ने विनती की तो भोलेनाथ ने मानी। लेकिन बोले, शीश तो इसका खंडित हो गया है, खंडित शीश विनायक का ना फिर से जुड़ सकता है। संभव है तब प्राण लौटने दूजा शीश कोई हो, जीवित कर दूंगा मैं इसे, कोई शीश तो ला के दो। किंतु सिर्फ उस बच्चे का जिस बच्चे से माँ निश्चिंत हो करके सोई हो अपनी पीठ घुमा। ऐसा शीश जुड़ेगा भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ ने बताया कि विनायक का जीवित होना तभी संभव है जब इसके लिए कोई अन्य शीश का प्रयोजन हो। लेकिन ध्यान रहे, शीश ऐसे बालक का होना चाहिए जिससे उसकी माता पीठ फेर के सोई हो। सभी देवता वन की ओर ऐसे शीश की खोज में चल दिए तो स्वयं भगवान विष्णु को भद्रा नदी के किनारे एक वन में ऐसी हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई थी। भगवान विष्णु उस हाथी के बच्चे का शीश लेकर आ गए और भोलेनाथ के हाथों में सौंप दिया। जैसा भी चाहिए था वैसा शीश मिल गया है, गज का शीश ही भोलेनाथ ने विनायक को दिया है। जोड़ा शीश तो विनायक के फिर लौटाए हैं प्राण, भोलेनाथ वरदानी भी है और है दया निधान। फिर तो विनायक ने भोले से क्षमा याचना की, हाथ जोड़ कहने लग कि मुझसे तो भूल हुई। जीवित देख के पुत्र को माता भी प्रसन्न हो जाए, गज का शीश लगा है इनको गजानन कहलाए। भोलेनाथ के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जनों इस प्रकार भोलेनाथ ने विनायक को फिर से जीवित कर दिया। भक्तजनों, विनायक को गज का शीश लगने के कारण ही इन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाता है। जीवित होते ही विनायक ने भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी गणों का अधिपति नियुक्त कर दिया, क्योंकि सभी शिवगण मिलकर के भी
विनायक को हरा नहीं सके थे। शिवगणों का अधिपति होने के कारण ही इन्हें गणपति बोला जाता है। आइए भक्तों, सुनते हैं विनायक को प्रथम पूजनीय होने का वरदान कैसे मिला था। गणेश कार्तिक दोनों ही भक्तों शिव की है संतान, दोनों ही उत्तम है वो तो और दोनों ही महान। एक बार दोनों भाइयों में होने लगी चर्चा, दोनों में से किसको मिले सर्वोत्तम का दर्जा। दोनों भाई आपस में ही जानना चाहते हैं, प्रश्न ये लेकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को है किया प्रणाम, लगे पूछने हम दोनों में बोलो कौन महान। सुनकर उनका प्रश्न ये ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कार्तिक और गणेश का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्काए और कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, आप दोनों विष्णु जी के पास जाएं, हो सकता है विष्णु जी इस प्रश्न का हल कर दें। तब दोनों भाई अपना यही प्रश्न लेकर विष्णु जी के पास आते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए वही प्रश्न विष्णु जी से भी करते हैं, किंतु विष्णु जी ने भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताई और कहने लगे, आप दोनों भाई भोलेनाथ की संतान हैं, तो स्वयं भोलेनाथ ही बताएंगे आप दोनों में उत्तम कौन है। तब दोनों भाइयों ने भोलेनाथ से आकर यही प्रश्न किया। उनका प्रश्न सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगा कर आए, दोनों भाइयों में सुन लो वही उत्तम माना जाए। सर्वोत्तम होने का उसे ही मिल जाए अधिकार, और पूजा भी करे प्रथम उसकी सारा संसार। इतना सुनकर कार्तिक तो है हुए अधीर पड़े, लगाने को पृथ्वी का चक्कर लेकर मोर उड़े। लेकिन भक्तों विनायक की तो मूषक की है सवारी, उस पे बैठ के कैसे घूमते सोचो पृथ्वी सारी। अपने बुद्धि बल को विनायक फिर अजमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भोलेनाथ की बात सुनकर कार्तिक तो तुरंत ही अपना मोर लेकर उड़ गए और सोचने लगे, सर्वोत्तम होने का स्थान तो मुझे ही प्राप्त होगा, किंतु भक्तों गणेश जी का वाहन तो मूषक ही है, कार्तिक से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। तब गणेश जी ने अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल किया और मूषक पर सवार होकर अपने मात पिता का चक्कर लगा दिया और कहने लगे, माता पिता का स्थान तो सारे ब्रह्मांड से ऊंचा है। श्री गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्वोत्तम स्थान श्री गणेश को दे दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही सभी देवताओं में श्री गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। स्वयं ही भोलेनाथ ने इनको दिया है वरदान,
बुद्धि बल के कारण मिला है इनको प्रथम स्थान। इनके बुद्धि बल को भोले ने भी मान लिया, प्रथम पूजनीय होने का भी तब वरदान दिया। श्री गणेश की भक्तों यही तो पावन गाथा है, डीएस पाल भी करके नमन भक्तों को सुनाता है। हंस राज रल हन चाहता है ऐसी कथाएं सुनना, फौजी सुरेश लिखता जाता है श्री गणेश वंदना। सुनते हैं जो भक्त बड़ा ही पुण्य वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पावन हितकारी मंगल मूर्ति तुम उपकारी, शिव शंकर के राज दुलारे, शुभ और लाभ को देने वाले, संकट सबके हरने वाले, भव से पार लगाने वाले, शीश नवा आरती को गाई, चालीसा गा मुक्ति फल पाई, मोदक का हम भोग लगाए, पावन इनकी जन्म कहानी, वेद पुराणों में जो बखानी, आओ भक्तों तुम्हें सुनाए, श्री गणपति के नाम का भक्तों धर लो तप में थे बैठे, शिव गण अपना काज थे करते, माँ गौरा ने मन में सोचा, जया विजया को साथ में लीना, नंदी को आदेश था दीना, शिव जी जब तंद्रा में आए, सखियों संग थी महल में आई, सखियां तन उबटन थी लगाई, जया के मन में प्रश्न था आया, हम तीनों हैं महल के भीतर, पहरे पर ना कोई बाहर, क्या हो कोई भीतर आ जाए, सखी हो जाए। वेद पुराणों ने गाई है गणपत कथा महान, भक्तों तुम सुन लीजिए चरणन का कर ध्यान, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। खूब विचारा तन से फिर उबटन को तारा, मानव का आकार था दीन्हा, पुतले ने जीवन था पाया, हर्ष पुष्ट बालक बन आया,
गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। वह शिव जी की तंद्रा आई, गौरा कहीं न दई दिखाई, नंदी ने संदेश सुनाया, कई मैया बतलाया। शिव ने सोचा महल में जाऊं, गौरा से वही मिलकर आऊं, नाना ग्रह के द्वार पे पहुंचे, बालक से परिचय जो पूछा, माँ का लाल हूँ बालक बोला, हटो मुझे भीतर है जाना, जाने के भीतर आज्ञा नहीं है, मैया का आदेश यही है, सुन शिव जी है रत में आए, क्रोध में आए, हाथों में त्रिशूल उठाए, बालक की गर्दन पर मारा, सर को धड़ से उखाड़ा, बालक की दी चीख सुनाई, मैया महल से बाहर आई, बालक को जब मृत था पाया, मैया ने फिर रुदन मचाया, मेरे लाल को जीवित करना, सृष्टि नष्ट करूंगी, शिव जी ने विष्णु बुलवाए, शिव शंकर ने कर लिया श्री विष्णु आवाज, विष्णु भी चल दिए भक्तों शिव शंकर की मान, देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे, गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। जाओ श्री हरि जल्दी जाओ, किसी प्राणी का शीश ले आओ, गज बालक का शीश ले आए, प्राण मंत्र जैसी ही फूका, बालक जीवित होठ बैठा, जय जय कारे गूंजने लागे, मैया ने भारी लाड लड़ाया, शिव जी ने गोदी बिठलाया, सभी गणों का ईश बनाया, ईश का नाम धराया, देव देव दर्शन को आए, संग में अनुपम भेंट लाए, कौन कौन दर्शन को आए, भक्तों तुम्हें बताए, तीन लोक ही कर रहे गणपत का गुणगान, जिसने पावन दर्श किया हो गया फिर कल्याण, गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। ब्रह्मा और ब्रह्माणी आए, वेद सुरों का ज्ञान भी लाए, गणपति के सब नाम थे कीन्हे, श्री विष्णु और लक्ष्मी आए, चक्र सुदर्शन गणपत पाए,
कमाई और वंश की शक्ति दीनी, अग्नि वायु हिमाचल आए, गणपत चरण में शीश नवाए, अपनी अपनी शक्ति दीन है, श्री गणपति के जन्म से झूम रहा कैलाश, चरणों में है नमन करे धरती और आकाश, देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। नंदी भृंगी थाल बजाए, शिवगण सारे मोद मनाए, देवी देव जयकारे लाए, शिव ने प्रथम पूज बनवाया, प्रेम से शीश पे हाथ फिराया, माँ गौरा तो लाड लड़ाए, तुम्हारा है मनाते, झूम झूम कर तुम्हें मनाते, देवा की जयकार लगाते, आरती और चालीसा गाते, मोदक का तुम्हें भोग लगाते, चंदन तिलक से तुम्हें मनाते, हे गणपति गणनायका करना सब कल्याण, जानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, हो श्री राधे वृषभानु दुलारी, श्री राधे कान्हा की प्यारी, बाधा की हरणी, हो भव से नैया पार है करनी, जपे सृष्टि सारी, की राजकुमारी, इस
सृष्टि का मरम है। इस जग के स्वामी श्री राधा सब अंतर्यामी। साजे हो तीन लोक में डंका बाजे। चंदा और सितारे श्री राधे का नाम उचारे। हो पूरण करती सबकी आशा। कुछ है अर्पण की दुलारी। तेरा नाम पुकारे
राधे राधे उचारे। जिसने राधा नाम को गाया मोक्ष परम पद उसने पाया।
कोई भी गाए, एक राधा का नाम सुनाए। सुकुमारी श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी, सकल सुख सारा। ओ रसिकन जीवन प्राण आधारा, दुख नाशिनी राधे। हाथ मेरा तुम लेना था, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। कृष्ण है, कृष्ण है राधा, ओ एक रूप दो प्रीति अगाधा। सावन हो विविध ताप हर हरि मन भावन। रहना सहाय गणेश गणपति सुखकारी, अपरंपार है महिमा तुम्हारी। जय जय गणपति भगवान, जग में गूंजे तेरा नाम। ओ प्रथमे पूजित शिव के दुलारे,
माता गौरा के तुम प्यारे सा कोई देव न दूजा विघ्नेशा सबके तुम हो भाग्य विधाता तुम्हारा है अति प्यारा कारी भक्तों के हो तुम सुखकारी विराजे शंख गदा और पुस्तक साजे जो तुमको हर पल ध्यावे सुख वो सकल जीवन में पावे था तुमको ये सुनाए एक दंता क्यों प्रभु कहलाए
मन में ऋषियों को सताते, करके शरारत ये दिखलाते। गन थे शंकर एक दिन, ओ परशुराम तब आए पर्वत पर। उनको समझाते हो परशुराम कुछ समझ न पाते। मिल कर ही जाऊं, ओ ना जो मिले तो घर नहीं जाऊं। अगर ये मिलन न होगा, युद्ध तुम्हें फिर करना होगा। भयंकर हुआ रे परस पर, किए बार गणपति ने निष्फल। परशुराम ने फरसा फेंका, विघ्नेश्वर का दंत था टूटा। क्षमायाचना करते ऋषिवर, लंबोदर ने पाया तब वर। कथा ऐसी भी आती इसी नाम की महिमा बताती। व्यास एक ऋषि का नाम महाभारत रचते थे सुनो।
कार्यभार गणपति को सौंपा। लिखते जाओ जो मैं कहता, रचते थे लिखते लिखते ना थकते थे। सहसा ही उनकी हो रुक गई गति तब उस लेखन की। छोड़ा गणपत ने एक दांत को तोड़ा। अद्भुत कार्य की सजग कल्पना। तब वहां आए देवों ने तब सुमन चढ़ाए। जो भी चढ़ाता सब सुख पाता। विनायक मंगलकारी महिमा जग में जिनकी भारी। दंता की गाए जो महिमा हो बढ़ती जग में उनकी गरिमा। वह जन कहलाता है
शीश नवालो, ओ पूजन कर सारा सुख पालो। करता से जो ऊर्जा पाई, गणपति महिमा तब ही लिखाई। गालो लंबोदर से खुशियां पालो। गणपति जी रहना सहाई।